Hello everyone, hope you all are doing well. I am Ritika, first year BHMS student at Baxen Homeopathy Medical College, Greater Noida. So this video is all about my first day of medical college. Actually my first 2 days of medical college, because first day was only orientation day, that is on 20th April, and my classes started from 21st April 2022. So on 20th April, I woke up at around 6:30 a.m. और उसके बाद रेडी हुए, ब्रेकफास्ट किया, फ्रेश हुए. अराउंड 9:30 a.m. हम गर्ल्स हॉस्टल के बाहर असेंबल हुए, और ये मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, श्रेया, शुभी, रानी. और ऑडिटोरियम में बैठ के बहुत ही अलग फीलिंग थी, बहुत ही अजीब सी, जैसे जो मम्मी का सपना था, जो मेरा सपना था, वो पूरा हो रहा है. और हमें एक फोल्डर भी दिया गया जिसमें वीकली टाइम टेबल था और हमारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस था. और फिर अराउंड 1:30 p.m. प्रोग्राम ख़त्म हुआ और फिर वहाँ से हम सब मिस गए. सो फिर लंच करने के बाद मैं अपने रूम पे आई. मेरा मूड बहुत ही ऑफ था, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, बिकॉज मतलब जैसे घर पे होता है कि जब हम घर मैं घर आती हूँ तो किन्नी मेरा वेलकम करती है. किन्नी, शी इज़ माई पेट डॉग, और वो मेरा वेलकम करने के लिए हमेशा होती है. बट जब मैं रूम पे गई तो वहाँ पे कोई नहीं था, मतलब घर से दूर पहली बार, बहुत ही डिफरेंट फीलिंग थी. और मेरी रूममेट भी नहीं आई थी. मेरी दो रूममेट्स हैं, पहली रूममेट मेरी गर्विता, शी इज़ फ्रॉम मेरठ, एंड सेकेंड वन इज़ मुस्कान राय, शी इज़ फ्रॉम अलाहाबाद, बट वो आई नहीं है अभी तक. मुस्कान, इफ़ यू आर वॉचिंग, वी आर वेटिंग फॉर यू, जल्दी से आ जा, जल्दी से ठीक हो जा बहन. और उसके बाद मैंने रूम सेट किया, क्योंकि कुछ करने को था नहीं, तो मैंने रूम सेट किया, अलमीरा सेट की. जो मेरा स्टडी टेबल है, मैंने वहाँ के लिए मैंने वो पेन स्टैंड ले रखा था, तो वो सब सेट किया. लैम्प सेट किया मेरा, अलमीरा में कपड़े सेट किए, ऑर्गेनाइजर्स थे उनको सही से सेट किया. उसके बाद फिर मुझे पता चला कि कॉलेज में जो है वो बुक स्टॉल लगी है, तो वहाँ से हम बुक्स ले सकते हैं. तो मैंने अपने सीनियर्स को कॉन्टैक्ट किया कि कौन सी बुक लेनी चाहिए, क्योंकि सेम सब्जेक्ट की अलग अलग ऑथर्स की बुक्स आती है. सो मैंने सीनियर्स को पूछ के जो जो बुक्स उन्होंने कहा, मैंने वो ले ली. अब पूरा दिन ऑलमोस्ट सेट करने में निकल गया. अराउंड 4 to 5 p.m. मेरी फर्स्ट रूममेट भी आ गई थी, और तब थोड़ा मुझे लग रहा था कि हाँ, मैं अकेली नहीं हूँ, कोई है रूम में, एंड शी इज़ वेरी नाइस. आप नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे. अब आता है मेरा एक्चुअल फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, दैट इज 21st April. और मैं अराउंड 6:40 उठी, मैंने अपना बेड सेट किया, नहा के आई, ग्रीन कुर्ते विद ब्लैक लेगिंग्स, OOTD मेरा. और उसके बाद रेडी होते हुए सिर्फ यही दिमाग में चल रहा था कि फ़र्स्ट डे कैसा रहेगा, क्या क्या होगा, कैसे टीचर्स होंगे, कैसे क्लासमेट्स होंगे, यही सब चल रहा था दिमाग में.
सो उसके बाद हमने डिनर किया और हम आ गए अपने रूम में वापस। थोड़ी बहुत आसपास जो हॉस्टल रूम में लड़कियां थी उनसे बातें बातें करी, थोड़ी गॉसिप, थोड़ा मतलब डिस्कस किया कि पूरा दिन कैसा रहा। जो भी अगर मैं पूरा दिन अपना समराइज करूँ तो इतना कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं था, बट हाँ ऑफकोर्स वो मेरे लिए स्पेशल था क्योंकि मैं 2-3 साल से उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ, कब मुझे लोग मेडिकल स्टूडेंट कहेंगे, कब कहेंगे, इस दिन का इंतज़ार था। तो हाँ मेरे लिए बहुत स्पेशल था, बट हाँ ऐसा कोई स्पेशल मोमेंट नहीं हुआ कि किसी कोई लैब नहीं गए। हाँ सारे टीचर्स से इंट्रोडक्शन हुआ, पूरा दिन कम से कम हमने 7-8 बार अपना नाम और तुम कहाँ से आते हो वो बताया, ज़्यादा ही, इससे ज़्यादा ही, क्योंकि जितने भी टीचर्स आते सबको बताना था। और 7-8 हमारे पीरियड हुए, जितने भी क्लासेस थी हमारी, 7-8 क्लासेस थी हमारी और सब टीचर्स, हमारी क्लास काउंसलर्स आई, उन्होंने हमसे नाम पूछा, सब सही रहा, मतलब दिन तो ठीक ठाक ही था। हाँ बहुत थक गए थे क्योंकि स्कूल के बाद तो मैंने सिर्फ प्रिपरेशन ही करी थी नीट की, तो उसके बाद तो अभी मैं क्लास गई, बहुत डिफरेंट था। बट हाँ ये दिन, ये वक्त मुझे हमेशा याद रहेगा और थैंक यू सो मच जिसने भी यहाँ तक मेरी जर्नी में मेरा साथ दिया, मेरे फ्रेंड्स, मेरी मम्मा, मेरी बहन, मेरी किन्नी, थैंक यू सो मच। सो होप यू लाइक माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच सपोर्ट, सो मच लव फॉर माई प्रीवियस वीडियो। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग। एंड यू हैव वन मोर मैसेज फॉर नीट एस्पिरेंट्स, कीप वर्किंग हार्ड, डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, नेगेटिव थॉट्स आने ही मत दो, बी पॉजिटिव, कीप वर्किंग हार्ड, बाय।